नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रामायण काल में रावण ने स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें बताई थी जो आज के ज़माने में सच साबित हो रही है। दोस्तों, ये बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म और हम सब के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण एक खलनायक है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी की पत्नी को उसे छीन कर अपने यहाँ बंदी बनाया। दुनिया भर में रावण को बुरा माना जाता है, उसके अवगुणों की ही बात की जाती है, लेकिन उसमें कुछ गुण भी है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। रावण एक महापंडित था, उसके जैसा ज्ञानी सारे संसार में उस वक्त जब रामायण काल था उस वक्त के दौरान कोई भी नहीं था। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की तपस्या में बेहद ही ज़्यादा शक्ति थी। वो अपने कर्तव्यों को निष्ठावापूर्वक पूर्ण करता था। रामायण के अनुसार भले ही रावण को पराई स्त्री पर नज़र रखने वाला बताया गया हो, लेकिन उसकी पत्नी ही थी, उस बात की नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रावण ने रामायण काल में अपनी पत्नी मंदोदरी को स्त्रियों की ऐसी ऐसी बातें बताई थी जो आज के समय में भी सच साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें कड़वी ज़रूर है, कुछ लोगों को सुनने में ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन आज के समय में ये बात बेहद ही सत्य साबित होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों रावण ने ये बातें मंदोदरी को कही, क्या नौबत आ गई थी बातें कहने की, और कहने के बाद कितनी बातें सत्य है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के अनुसार सीता को जंगल से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके जब लंका पहुंचे श्री राम जी अपनी सेना के साथ, तो उनकी लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल में पहुंची, तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वो तुरंत अपने पति रावण के पास गई और उससे कहने लगी कि वो युद्ध ना करे। सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दे और उनसे माफ़ी मांग ले। जब मंदोदरी ने ये बात रावण को कही तब रावण ये सुनकर हंसने लगा और उसने एक दोहा बोला, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही, साहत नृप्त चपलता माया, भय अविवेक असोच अधाया। ये बात इस दोहे में रावण ने स्त्रियों की अवगुण के बारे में बात की, लेकिन हम आपको इस वीडियो में वही अवगुण बताने जा रहे हैं जो आज के समय में सत्य साबित होते हैं। तो सबसे पहला अवगुण है, रामचरितमानस के वर्णित इस दोहे के अनुसार स्त्रियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वो है बहुत ज़्यादा साहस का होना। दोस्तों, साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती है कि उनके द्वारा दिखाया गया ये साहस सही है या गलत, उनके द्वारा दिखाया गया ये साहस क्या परिणाम लाने वाला है, वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं सोचती है। दूसरा अवगुण रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है, स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनका निरंतर झूठ बोलने की आदत। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है और ये आज के ज़माने में सत्य है, सच साबित होती है। दोस्तों,
स्त्रियां अपने द्वारा कही गई बात को सही साबित करने के लिए एक के बाद एक लगातार झूठ बोलती जाती है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई सारे झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया था। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद फंस जाती है, और खुद फंसने के साथ साथ स्त्रियां झूठ बोलकर अपने पति को भी दुविधा में डाल देती है। लेकिन सच जो होता है वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। तो तीसरा अवगुण है वो है दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी को बातें बताई तो उसमें रावण ने बताया कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। चंचलता बहुत ज़्यादा होती है। उनका मन जो होता है स्त्रियों का, वो कभी भी एक बात पर टिकता नहीं है। वो कभी भी एक बात पर कायम लंबे समय के लिए नहीं रह पाती है। वो कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही बात पर मन बदल देती है, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती है। चौथा जो अवगुण बताया वो रावण ने बताया कि जो स्त्रियां होती है वो माया का रचना करती है। रावण ने चौथे अवगुण की बात कहते हुए कहा था कि उनके माया रचने का अवगुण सबसे भयंकर होता है। रावण के अनुसार ये स्त्रियों की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो। स्त्रियां परिस्थितियां अपने अनुकूल करने के लिए माया का रचना करती है। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती है, इसकी चर्चा भी लंकापति रावण ने की। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है। स्त्रियां रूठने होने का नाटक करती है। कई बार स्त्रियां अपनी बात मनवाने के लिए प्रबोलन देती है, दूसरों को लालच देकर अपना काम बनवा लेती है, और साथ ही जब ज़रूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती है, और वो इस चीज़ में बड़ी ही माहिर होती है। रावण ने स्त्रियों की जिस पांचवें अवगुण की बात की थी वो है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो वो डर जाती है और सोचने लगती है आगे क्या हो जाती है। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव उस समय में किया था, जब उसे मालूम हुआ कि भगवान श्री राम जो स्वयं महादेव भोलेनाथ शिव जी के परम भक्त थे, वे रावण से युद्ध करने के लिए अपनी वानर सेना सहित लंका आ गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा। मंदोदरी को मन ही मन चिंता होने लगी कि श्री राम उसके पति का वध कर देंगे। इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने की सलाह दी, और अपने किए हुई हरकत पर भगवान श्री राम से माफ़ी मांग लेने की जो है वो सलाह दी। जो ये जो मुख्य अवगुण थे जो रावण को लगते थे। दोस्तों, आज के ज़माने में इस कलयुग में भी स्त्रियों के बारे में कही गई उस दौरान, आज से कई हजारों सालों पहले रामायण काल था, उस दौरान रावण ने ये बातें कही थी जो आज भी एकदम सत्य साबित होती है। दोस्तों, ये बातें कई सारे लोगों को ये बातें गलत लगती होंगी और उन्हें आज के समय में वो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करने लगे। जो चीज़ें शास्त्रों में सही है वो कभी भी आज के दौर में भी गलत साबित नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, तब ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री।